आप सभी को राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम 7 नंबर के कान्हा जी का ये प्यारा सा पगड़ी बनाएंगे। टोपी बनाकर इसे हम पगड़ी नुमा कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा है, तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब इस पे हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। पहले हम सर्किल बना लेने के बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसे हम टाइट कर लेंगे, इस तरह से टाइट कर लेंगे। बाद में हम यहाँ पे इसमें एक नोट लगा लेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका कुछ इस तरह से हम जोड़ेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे और ये इस तरीके से जोड़ेंगे। अब फिर से 1 2 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया ना बनाकर ये दूसरा लाइन में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर से देखिए अगला चेन पे, ये 1 डबल क्रोशिया बनाए और फिर से इसी चेन पे 2रा डबल क्रोशिया हो गया हमारा। फिर यहाँ भी 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर से यहाँ भी 1 से 2 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए हम दूसरा लाइन तैयार कर लेंगे। देखिए तो देखिए इसे पूरी गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट किए। अब हमें करना क्या है, यहां लाएंगे हुक को और इसे यहां पे जोड़ लेंगे। अब फिर से 1 2 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक एक चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हम 3 लाइन में कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए, जैसे कि देखिए यहां हम 12 डबल क्रोशिया लिए, यहां इसका ठीक डबल किए। अब 1 2 3, 3 लाइन हम एक पर एक बनाते चले जाएंगे। टोटल हमारे पास कितना लाइन होगा, 1 2 3 4 5। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, उनको हम कट कर लेंगे। अब आउटलाइन देंगे दूसरे कलर का उनसे। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ लिए दूसरे कलर का ऊन। अब ठीक इसके बीचों बीच में हुक को ले जाएंगे, 3 का 1 करते हुए इसमें हम आउटलाइन दे लेंगे इस तरीके से। इस तरह से देखिए आउटलाइन इस पे हम दे लिए, कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम सुई धागा की मदद से सिलेंगे। तो देखिए कहाँ से सिलेंगे, हम यहाँ से सुई डालते हैं इस तरीके से, और एक हम सबसे पहले यहाँ पे बना लिए। अब देखिए अब सुई को यहाँ ले जाएंगे, सुई को यहाँ ले जाएंगे और हमें करना क्या है,
यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे और लेते हुए ऊपर तक। अब इसे हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से। देखिए इस ढंग से टाइट कर लेंगे। अब एक नोट लगा के यहां पे हम छोड़ देंगे और कलगी बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम कलगी बना लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ आगे काम करेंगे। तो देखिए कलगी बनाने के लिए हमें क्या करना है, सर्किल बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया इसमें हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तीन चेन ले लेते हैं, तीन चेन, अब चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया दो डबल क्रोशिया, तीन चेन जो लिए तो, और अब बीच में एक चेन लेंगे और दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये बन गया, अब एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, इसे टाइट करेंगे, पलट लेंगे, यहाँ से एक डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। या तो फिर आप इस तरह से कर सकती हैं, देखिए जो हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए ये आप यहाँ ना बनाकर यहाँ बना लें, ये हो गया। अब बीचों बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, दो डबल क्रोशिया हो गया। अब इस साइड का किनारे का दो डबल क्रोशिया भी हम बना लेंगे। तो हमारे पास शुरू में था चार डबल क्रोशिया, अभी हो गया हमारे पास छह डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये हो गया, पहले था चार फिर हो गया छह। अब एक दो तीन, तीन चेन ले लिए, तीन चेन लेने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए, यानी कि छह हमारे पास है तो तीन तीन डबल क्रोशिया, और बीचों बीच से यहाँ बीचों बीच से दो डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, एक और फिर ये रहा एक। अब तीन डबल क्रोशिया इस साइड का भी बना लेंगे, एक चेन पे एक, एक दो और ये रहा तीन। फिर से एक लाइन और इसी तरह करेंगे हम, एक दो तीन, पलट लेंगे। देखिए यहां दो हो गया, ये हो गया तीन और ये हो गया चार, चार डबल क्रोशिया। अब फिर से बीचों बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, अब यहाँ चार डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बना लेंगे, एक दो तीन और ये रहा चार। अब एक दो, दो चेन ले लिए हम। अब देखिए अब लास्ट लाइन किस तरह से बुनना है, बल लेंगे, यहाँ पे भी हुक को डालेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर से एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब यहाँ का ये और यहाँ का ये, दोनों में से हम बल को निकालेंगे, इसमें से भी निकाल लेंगे, फिर से बल लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे, तीन का एक करेंगे और एक दो तीन,
फिर से यहाँ भी दोनों में से निकालते हुए और इससे भी निकाल लेंगे। प्रत्येक चेन पे हम इसी तरह करेंगे। ये आपका ये जो कलगी है इसका खूबसूरती को ये बढ़ाया हुआ है। तो चलिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर ठीक इसी तरीके से। देखिए इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो गया। ऊन को यहाँ पे हम कट कर लिए हैं। अब इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। ये हो गया और यहाँ पे एक आप नोट डाल लें। देखिए इस तरह से इसे कट कर लेंगे और ये जो बचा हुआ इसे अंदर की ओर ले आए। देखिए अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम टोपी लेंगे और टोपी लेने के बाद इसे हम बाद में अंदर की ओर ले जाएंगे। टोपी लेने के बाद में हम इसे इस तरीके से सिल देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसे आप जिस ढंग से रखना चाहती हैं रखकर आप इसे सिल ले यहां से लेकर यहां तक। सिल लेने के बाद में एक प्यारा सा मोती आप डाल लें। जैसा इस पे हम मोती डाले हुए हैं उसी तरह से यहाँ बीचों बीच में एक मोती डाल लें। आपका इस ढंग का पगड़ी बनकर यानी टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।